नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के जनक, विश्व रत्न, अद्वितीय विद्वान, महामानव, महासमतावादी, समाज सुधारक, महान अर्थशास्त्री, ज्ञान के प्रतीक, राजनीतिज्ञ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक विचार। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। बहुत सारे महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। कानून और व्यवस्था राजनीति रूपी शरीर की दवा है, और जब राजनीति रूपी शरीर बीमार पड़ जाए, तब दवा अवश्य दी जानी चाहिए। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। और एक समाज सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है, वह सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। केवल मतदाता होना पर्याप्त नहीं है, कानून का निर्माता होना आवश्यक है। अन्यथा जो कानून के निर्माता होंगे, वे उन लोगों पर शासन करेंगे जो केवल निर्वाचक हैं। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो स्वतंत्रता दे दे, वह आपके किसी काम की नहीं होती। मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से मापता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। पति पत्नी के बीच का संबंध दो सच्चे मित्रों के संबंध जैसा होना चाहिए। जाति कोई ईंटों का तार नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है जो मन की एक अवस्था है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मैं तो जीवन भर कार्य कर चुका हूँ, अब इसके लिए नौजवान आगे आए। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। जो व्यक्ति झुक सकता है, वह झुका भी सकता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। आप स्वाद बदल सकते हैं, किंतु जहर को अमृत में नहीं बदल सकते। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं ही इसे जलाऊंगा। मैं हिंदू पैदा हुआ था, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। बुद्धि का विकास मानव के विकास का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह हर एक व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसे यह भी मानना होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं।